जम्मू कश्मीर में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान। कुपवाड़ा मतदान कर्मी ईवीएम मशीनें लेकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण से पहले सुरक्षा के करे इंतजाम। सोपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सोपोर के एसएसपी दिव्या डी ने बताया, हमारे पास बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, सेहत की जानकारी दी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, नरेंद्र मोदी की सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। पीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार, ट्वीट कर लिखा, खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया, पीएम को लेकर कांग्रेसियों में नफरत। शाह बोले, खड़गे ने निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को जबरन घसीटा, बेवजह ही उन्होंने पीएम का नाम लिया। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर सादा निशाना, कहा कि राहुल गांधी हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि एमएसपी क्या है, उन्हें रबी और खरीफ फसल का फर्क भी नहीं पता। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी नहीं। नायब सिंह सैनी इकलौते ऐसे सीएम जो 24 फसल पर देते हैं एमएसपी। सैनी ने कांग्रेस पर सादा निशाना, बोले कि हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा, कांग्रेस की हार तय। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सोनीपत में कांग्रेस पर सादा निशाना, कहा कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं इटली में आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मुंबई में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी की बैठक, फडणवीस, बावनकुले, आशीष शेलार समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। बीजेपी विधायकों में झड़प पर अखिलेश का तंज, ट्वीट कर लिखा, ये बीजेपी की बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में हार की निराशा। अखिलेश बोले, अब झड़के झगड़े झड़प के तौर पर सामने आ रही है निराशा, बीजेपी जनाधार खो चुकी है, अब आप भी खो रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले जमकर लात घुसे, मंच पर चढ़ने लगे और नारे लगाने लगे। सम्मेलन में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। यूपी के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम विवादों में घिरे, गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़े एक अधिकारी को धमकी का वीडियो भी वायरल। संगीत सोम ने स्वीकार किया कि अधिकारी को धमकी देने की बात, कहा कि कम धमकाया है, अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो पब्लिक से जूते से पिटवाऊंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संगीत सोम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, लिखा कि बीजेपी नेता की अभद्र भाषा किससे प्रेरित है उसे बताने की जरूरत नहीं है। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सुबह सुबह ही सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल, 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को ठीक करेंगे, दिवाली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज इलाके में सड़कों की स्थिति का भी निरीक्षण किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज भी रहे मौजूद। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल के निर्देश पर सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे, बारिश के चलते सड़कें खराब हुई हैं, अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया, बोले सड़कों की स्थिति खराब, जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें, जनता से भी लिया फीडबैक। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा, बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। सुपौल में बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का बड़ा जलस्तर, बेलसंड प्रखंड का मंदार तटबंध टूटने से कई इलाकों में भरा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, बकुची पावर ग्रिड परिसर में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी बने बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुटनों तक भरा पानी। मिर्जापुर में 3 घरों से मिला 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस, पुलिस ने जब्त मांस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, ये अवार्ड अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ।